जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों आप लोग का एक मैं मैसेज हमेशा देखता हूं कि राजा भाई आप ग्रैंड लीग का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया करो जिसमें आप 4-5 मिनट में बता दो कि आपकी सोच इस मैच को लेकर क्या है, आप किस तरह का ग्रैंड लीग स्ट्रैटेजी तैयार करने वाले हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया ओमेन वर्सेज इंग्लैंड ओमेन के बीच में जो खेला जाएगा द एसएस टी20 का दूसरा मुकाबला, उसमें हमारी ग्रैंड लीग की टीम क्या रहने वाली है, हम किस तरीके के साथ ग्रैंड लीग में उतर सकते हैं, ए टू जेड स्ट्रेटेजी हम बताने वाले हैं। मुश्किल से आपको मैं बताऊंगा 5 मिनट में 7 से 8 ग्रैंड लीग की टीम, आपको ये 8 टीम ग्रैंड लीग में उतार देने भाई साहब, बड़े वाले पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे आइए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ कहाँ पे भाई साहब, होम स्क्रीन के ऊपर, होम स्क्रीन आई मीन साइड में आपको दिखने स्टार्ट हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे एलिसा हेली, बैथ मोनी, डेनियल वाइट, टेलियाम सिगर्थ, डंकली, नटाली सीवियर, गार्डनर, जोनासन, स्कट, एक्लिस्टन और डार्सी ब्राउन, ये हमारी एक टीम है स्मॉल लीग की, जिसको मैं स्मॉल लीग जीएल मिनी जीएल सभी जगह उतारने वाला हूँ। अब मैं आपको मिनी जीएल जीएल के लिए जो समीकरण बताऊंगा ना, वो मैं आपको इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर ऐप पे नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक ड्रीम इलेवन को ही बेस मानते हुए सारे ऐप पे बताने वाला हूँ, जहाँ पे मैंने 3 बल्लेबाज इसीलिए लिए हुए हैं जो आप सभी एप्लीकेशन पे ग्रैंड लीग लगा सकते हो। अब देखिए आप यहाँ पर जो टीम बनाए हो किसके फेवरेट में बनाए हो, ऑस्ट्रेलिया की फेवरेट में, आपने ये उम्मीद किया हुआ है कि आप इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को विन करते हुए देख रहे हो। अब यहाँ पे आप जो ग्रैंड लीग की स्ट्रेटेजी बनाओगे, पहली टीम तो जो आपको स्मॉल लीग में लगानी है उससे आपको ग्रैंड लीग खेल लेनी है। ग्रैंड लीग कभी भी आप तुक्के के साथ मत खेलना, और दूसरी बात ये दोस्तों, ग्रैंड लीग कभी भी आप ऐसा नहीं कि जिसका सिलेक्शन रेट 7 से 10% है उसी को आप ले रहे हो, 15% हो, बहुत सारे एक्सपर्ट के मैं वीडियो देखता हूँ ग्रैंड लीग में जिसका सिलेक्शन कम रहे उसके साथ खेल लो, वैसा वो बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है। क्योंकि मेरा मानना है कि आपने जो 49 रुपीज लगाई है ना मेरे दोस्त, उसका 49 का 49 मिनिमम आपको रिटर्न चाहिए। ऊपर जितने भी आ जाए, एक रैंक पे आते हो, दो रैंक पे आते हो, 200 पे आते हो, 500 पे आते हो, 5000 पे आते हो, लेकिन मिनिमम मुझे ये अमाउंट चाहिए ही। तो इसके लिए आपको बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर टीम के साथ ग्रैंड लीग उतरने होंगे। और ग्रैंड लीग दोस्तों रैंक एक वाले को ही आप विनर नहीं कह सकते हो, आप कभी ये मत सोचो कि मुझे ग्रैंड लीग में एक ही रैंक पे पहुंचना है। अगर आप 10, 5, 15, 25, 2, 7 ऐसे रैंक भी लाते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होंगी। लोग पता नहीं सोच लेते हैं ग्रैंड लीग मतलब एक रैंक, भाई एक ही रैंक के पीछे नहीं पड़ना है, थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ, ठीक है। अब आपको स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, आपको 3 से 5 प्लेयर ऐसे पिक करने हैं जो आपको लगता है इस मैच में सबसे हाइस्ट पॉइंट गेटर में से एक हो सकते हैं, और एक प्लेयर अगर आपने फाइंड आउट कर ली जो आपको लगता है कि सबसे हाइस्ट पॉइंट गेटर बन सकती है, तो वैसा आपके लिए वो मुकाबला ग्रैंड लीग में जैकपॉट हो सकता है। तो आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि गार्डनर आपको लगती है कि सबसे अधिक पॉइंट दे सकती है। अब आपको यहाँ से 4 और प्लेयर पकड़ने होंगे, या फिर आपको 3 या फिर 2, आप कितने ग्रैंड लीग के साथ खेलना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका बजट क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको इनके अलावा और 4 प्लेयर पकड़ने होंगे जो आपको लगता है कि कैप्टन वीसी की मटेरियल है। तो गार्डनर 1 हो गई, टेलियाम सिगर्थ 2 हो जाएंगी, जेस डैनिसन 3, बैथ मुनी 4, स्कट और एलिसा हेली में से आप किसी एक को पकड़ लो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया फेवरेट टीम बना रहे हो तो एलिसा हेली को भी आप बैक करके चल सकते हो। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा एलिसा हेली को, ठीक है, क्योंकि वो मान लो कि अगर विकेट कीपिंग से 25 पॉइंट दे देती हैं, 30 रन मार देती हैं, तो ऑलरेडी वो 60-65 पॉइंट आपको निकाल के दे देंगी। तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा, कैप्टन लेके जाओगे गार्डनर, वीसी आप दोगे टेलियाम सिगर्थ को, ठीक है। दूसरा टीम में अब आप यहाँ पे क्या करोगे ना, कैप्टन आप दोगे टेलियाम सिगर्थ, वीसी गार्डनर को। तीसरा टीम आप क्या करोगे, गार्डनर के साथ कॉम्बिनेशन बनाओगे बैथ मुनी का, गार्डनर कैप्टन, बीथ मोनी वीसी। चौथा टीम में बैथ मोनी कैप्टन, आपकी गार्डनर वीसी होंगी, 4 टीम आपकी बन गई। पांचवी टीम में आपको गार्डनर कैप्टन, जेस डैनिसन वीसी। छठे टीम में जेस डैनिसन कैप्टन, गार्डनर वीसी। सातवें टीम में आपकी गार्डनर कैप्टन, एलिसा हेली वीसी। और आठवीं टीम में एलिसा हेली कैप्टन, और यहाँ पे गार्डनर आपकी वीसी बन जाएंगी। अगर आप 9वीं 10वीं टीम बनाना चाहते हो तो गार्डनर के साथ आप मेगन एस्कुट का भी प्लेयर बना सकते हो, एक्लिस्टन का भी प्लेयर बना सकते हो, जितनी आपकी बजट अलाउ करे। ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर वाले सेक्शन है जहाँ पे आपको कैप्टन गार्डनर को रख देने, सारे प्लेयर को वीसी रोटेट कर देनी है, और आप जो है सारे प्लेयर को कैप्टन दे दो और वीसी आप जो है गार्डनर को दे दो। इस तरीके से आप 20 टीम बना लोगे, ठीक है ना, एक में कैप्टन गार्डनर, बाकी सबको वीसी रोटेट कर देनी है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि उतने टीम के साथ आपको नहीं खेलने, जब आपको पता है कि डेनियल वाइट डंकले 30-35-40 पॉइंट नॉर्मली देने वाली है, तो क्यों आप उनके ऊपर गेम्बल खेलोगे। गेम्बल भी आप वहाँ खेलो जो आपको 80-85-90 पॉइंट निकाल के दे सकती हैं। तो आप इस तरीके से गार्डनर को कैप्टन कीजिए और प्लेयर को आप जो है वीसी में रोटेट कर दीजिए,
आपके तकरीबन 20 टीम बन जाएंगे, 10 कैप्टन गार्डनर और 10 बीसी गार्डनर। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं डेनियल व्हाइट, डंकले, नटालिसी भी रहे बैट्समैन, हम इन तीनों को अवॉइड कर सकते हैं, तो तीन दूनी 6 टीम आपका अवॉइड हो जाएगा, फिर आपके बनेंगे 14 टीम। और उसमें आप डार्सी ब्राउन को भी अवॉइड कर दोगे तो आपके बन जाएंगे 12 टीम। उस 12 टीम के साथ आपको मिनी जी एल जी एल ट्राई कर लेने हैं, आराम से आप लेके आ जाओगे। तो जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है उसको अगर आप फॉलो करते हो, बहुत जल्द, भले एक मैच में ना है, लेकिन बहुत जल्द आप मिनी जी एल जी एल में टॉप रैंक लेके आ जाओगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आप लोगों को ग्रैंड लीग का स्पेशल वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए।